महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र का आज आठवां दिन है और विपक्षी नेता अजीत पवार और अंबादास दानवे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने बजट के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपी विधायक ने सिर पर कद्दू रखकर शिंदे सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और विधान भवन में घुस गए। फिर पायदान पर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। वहीं विरोध जताते हुए कहा कि सरकार ने बजट के नाम पर आम लोगों के हाथ में कद्दू थमा दिया है।